नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कई सारे मामले सामने आए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 132 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। लगातार कोरोना का कहर जारी है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है देश में, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 5600 नए मामले। आपको बता दें 132 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें 132 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 5600 नए मामले। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 5609 नए मामले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली स्टेट हेड मिताली चंडोला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली जी, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगी, जिस हिसाब से जो अभी तक का जो है हर 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी डरावने हैं, क्योंकि 24 घंटे में अभी की अगर हम बात करें तो 56,000 के करीब जो है नए मामले आ चुके हैं, लाखों की तादाद में मरीज हैं और 132 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी ये आंकड़ा आने वाले दिनों में जो है और बढ़ेगा। और अगर एक हफ्ते की हम रिपोर्ट निकाल कर देखें और जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रोज अपडेट्स आते हैं, तो उससे सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि डेली 24 घंटे का जो हिसाब लगाया जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उनमें अभी तक एक बारी भी बैलेंस नहीं आया है, बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों के लिए एक ये संकेत है कि आने वाले दिनों में जो है परिस्थितियां और भी ज्यादा भयंकर रूप ले सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन खुल चुका है, बावजूद इसके लोग जो है अब फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि पहले से ही बताया गया था कि ये बीमारी जो है फैलती है, संक्रमित होती है, तो कितनों के तो सिम्टम्स जो है वो रिवील नहीं होते हैं और वो लोग ऑलरेडी इस चीज से जो है अफेक्टेड है। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो किसी न किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग इससे अफेक्ट होते हैं। और आने वाले 14 दिन जो है उसमें हमें ये आंकड़ा जो है दिख सकता है कि बढ़ जाए और डेथ की संख्या भी जो है वो और ज्यादा सामने आ सकती है। तो सबसे बेहतरी का उपाय यही है कि इंसान को जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और खुद में ही एहतियात बरतने चाहिए, क्योंकि अब तक इसकी वैक्सीन भी ईजाद नहीं हुई है। जी जी मिताली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 132 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में सामने आए 5600 नए मामले। कोरोना का कहर लगातार जारी है और जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी गई है, कहीं ना कहीं ये एक उसका मुख्य कारण है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं।